चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लोट्रॉन जो चैप्टर्स है ना, पॉइंट है ना, इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिएगा, आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाएगी और बहुत कम समय में मैं आपको समझाऊंगा। पूरी तरह से दिमाग में नहीं छाप दिया ना तो याद रखिएगा, कहिएगा कि हाँ भाई अब किस स्कूल में पढ़ते हैं, फोकस करिए। देखो, साइक्लोट्रॉन है क्या? तो साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को गति देना। ये साइक्लोट्रॉन का मतलब निर्माण 1934 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1934 ईस्वी में। साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय मशीन है, मतलब इसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके सहारे हम लोग कणों को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। त्वरित का मतलब होगा वेग देते हैं, यानी कण को वेग देने का कार्य कौन करता है? बहुत ज्यादा वेग देने का काम करता है साइक्लोट्रॉन। यही साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या करता है? वेग देता है। क्या करता है? वेग देता है। क्या देता है? वेग देता है। साइक्लोट्रॉन के सहारे हम लोग नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन पर भी हम लोग जोर डाल देते हैं, मतलब पढ़ पाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन कब बनाया गया? 1934 में। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा विद्युत चुंबकीय मशीन है। देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों होता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके सहारे कणों को त्वरित करी जाती है। क्या करी जाती है? त्वरित करी जाती है। यह साइक्लोट्रॉन होता है। अब जहां से हम लोग पिक्चर में समझते हैं, पिक्चर में आपको दो डी टाइप का आकार दिखाई दे रहा होगा। देखिए, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो पहले वाला जो आकार दिखाई दे रहा है उसको D1 मान लिए और दूसरे वाले आकार को D2 मान लिए। मतलब दोनों को अगर देखी जाए, दोनों आकृति को डीज कही जाती है। D1 को भी डीज और D2 को भी डीज कही जाती है। यानी अगर आकृति यहाँ पर देखेंगे तो डी टाइप का आपको दो आकृति दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले आकृति को D1 मान लेंगे और दूसरे वाले आकृति को D2 मानकर हम लोग चलेंगे। अब देखो, इन आकृति को एक ओसिलेटर जिसको हम बोलते हैं डोलीमीटर के सहारे जोड़ दिया गया। देख सकते हैं दोनों आकृति को किससे जोड़ दिया गया? एक डोलीमीटर के सहारे उसको जोड़ दिया गया। ये डोलीमीटर क्या करता है? देखो, डोलीमीटर करता क्या है कि मतलब इसको क्या करेगा, आवेश या धारा देने का काम करता है। क्या करेगा? धारा देने का काम करता है। क्यों देने का काम करता है, इस पर मैं अब चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा। बसरता अभी समझिए हम लोग। साइक्लोट्रॉन समझ में आ गई? साइक्लोट्रॉन क्या है? तो एक विद्युत चुंबकीय मशीन है। क्या? विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके सारे कणों को त्वरित करी जाती है। ओके, अब देखो साइक्लोट्रॉन की जरा बनावट हम लोग चर्चा करते हैं। इस चित्र में आपको जो ये आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है क्रॉस, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया कि ये क्या है। तो ये एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या दर्शा रहा है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया कण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है और क्या, विद्युतीय क्षेत्र भी है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आपको समझ में आती है ना बुआ? देखो, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबक के बीच रखा गया हो और विद्युतीय क्षेत्र का मतलब उसमें धाराएं भी हो। तो धारा बहने के लिए मैंने ओसिलेटर लगा दिया, तब जाकर ये देखिए पहले वाले डीज पर माइनस आवेश और दूसरे वाले डीज पर प्लस आवेश है। ठीक है ना? अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको लिखना क्या है बनावट में, बस इतना लिखना है कि बगल के चित्र में एक चुंबकीय क्षेत्र, क्या, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या है, D1 और D2 टाइप का आकार रखा गया। D1 और D2 टाइप का आकार रखा गया है। ठीक है ना? ये बात पहले आप समझिए। ठीक है ना? दोनों डीज को किससे जोड़ दिया गया? तो ओसिलेटर से जोड़ दिया गया। तो दोनों डीज को किससे? ओसिलेटर के सहारे जोड़ दिया गया। ये ओसिलेटर क्या करेगा? तो ओसिलेटर जो होता है ना, प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न करता है। मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस आवेश उत्पन्न करने का काम करता है। अब देखिए, दोनों डीज के बीच में एक आवेशित कण रख दी जाती है और इसी आवेशित कण को देखी जाती है कि आखिर ये जो कण है ना, इस कण पर वेग क्या डालता है? कौन? साइक्लोट्रॉन। क्योंकि साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है कणों को वेग देना, कणों को त्वरित करना, प्रोटॉन को त्वरित करना, न्यूट्रॉन को त्वरित करना। ये किसका काम है? यह है साइक्लोट्रॉन का काम होता है। तो साइक्लोट्रॉन को हम लोग जांचने के लिए क्या करेंगे, उसके बीच एक कण रख देते हैं, उस कण का नाम एस डाल दिए। ये आवेशित कण है और मान लेते हैं कि प्लस आवेश है। ठीक है ना? जो आवेशित कण है वो कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। अब फोकस करने वाली बात है कि ओसिलेटर जो है ना, पहले वाले D1 पर माइनस आवेश और दूसरे वाले D2 पर प्लस आवेश। आप प्लस भी कर सकते हो, अपने मानने पर डिपेंड करता है कि जो ओसिलेटर है, जो दोलित्र है, वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि वहां पर एक पर माइनस आवेश और दूसरे पर प्लस आवेश। तो माइनस प्लस किसी पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम लोग बनावट की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बनावट इसका कैसे है। तो बस इतना लिखना है कि बगल के चित्र में D1 और D2 दो डीज है जिसको ओसिलेटर के सहारे जोड़ दिया गया है और इस डीज को, इस मशीन को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच रख दिया गया। तो ये इसकी बनावट हो जाएगी। और इसका सिद्धांत क्या होता है? इसके सिद्धांत पर फोकस करो। इसका सिद्धांत होता है कि जैसे ही फोकस करेगा, जैसे ही कण का आधा चक्र पूरा होता है, उसका वेग बढ़ते चला जाता है। ये सिद्धांत है। देखो, यहां पर अगर बात करते हैं, ये जो कण एस लेकर चले हैं, ये जो आवेशित कण है, ये जैसे ही अपना आधा चक्र पूरा करेगा तो फिर इसका वेग बढ़ते चला जाएगा, इसकी त्रिज्या बढ़ते चला जाएगा, इसका मान बढ़ते चला जाएगा। फोकस करिएगा। अब देखो,
अब यहाँ पर समझो एक चीज, ये ओसिलेटर है, ओसिलेटर के सारे क्या हो गया कि एक डिज पर प्लस और एक डिज पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। अब बाबू यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक पर माइनस एक पर प्लस हो गया और जो आवेशित कण एस लेकर चले हैं वो आपका प्लस है। सोचिए प्लस कभी प्लस से रिएक्शन करेगा नहीं, तो ये प्लस प्लस है, प्लस जो है ना इस प्लस को धक्का मारेगा यानी इस दिशा में गमन करवाएगा, और ये जो माइनस है ना ये प्लस को, इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। ये जो गति है ना इधर से नहीं, इधर से आपका कर रहा है, किधर से गति कर रहा है, इस दिशा से। फोकस करिएगा इसकी गति को, आप समझिए पहले, मेन चीजें यही होती है, ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। ये समझ गए आपके लिए एकदम बहुत आसान हो जाएगा, जोड़ी है ये समझना। देखो ये आवेशित कण का, आवेशित कण प्लस है और इधर से डीज भी प्लस है, तो प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो ये इधर बढ़ेगा, और ये माइनस खींचेगा इसको अपनी ओर, तो ये माइनस से मतलब ये प्लस धक्का इधर मारेगा तो इधर ये गति करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि जैसे ही अपना आधा चक्र, देखो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही अपना आधा चक्र ये पूरा करेगा, ये जैसे ही अपना आधा चक्र पूरा करता है, तो ये जो ओसिलेटर होता है, ओसिलेटर को इस प्रकार सेट करी गई रहती है, ओसिलेटर को इस प्रकार सेट करी गई रहती है, कहीं जो माइनस है ना प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फोकस करिए, ओसिलेटर का काम होता है कि वहां पर धारा उत्पन्न करना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है ना। तो जैसे ही ये कौन अपना आधा चक्र यहाँ पर पूरा कर रहा है, जैसे ही वो अपना आधा चक्र क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, पूरा करने के बाद क्या हो जाएगा कि हाई जोन माइनस है, हाई जोन माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस। अब फोकस करिए, ये जो कण था आवेशित कण, ये अपना आधा चक्रण पूरा किया, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कण तो प्लस है नहीं है, तो ये कण प्लस है यहाँ पर और ये प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, उसको धक्का देगा, फिर प्लस क्या करेगा, उसको धक्का देगा। अब धक्का देगा तो इसका वेग पहले से ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर जब पहले से ज्यादा वेग बढ़ेगा तो ये कण ऐसे होते हुए फिर आधा चक्रण अपना पूरा करेगा, जैसे वो अपना आधा चक्रण पूरा करेगा तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर आधा चक्रण जब पूरा हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर आया है तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये जो कण है प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसको धक्का देगा, तो ये कण फिर इधर आपका भागेगा, मतलब इस इधर वेग उसका और बढ़ते चला जाएगा। तो ये होता है किसका, ये होता है कार्य विधि किसका, साइक्लोट्रॉन का। सिंपल बात है, समझने समझने में फेर पड़ता है, समझ गया, दिमाग में बैठ गया, एकदम आपको सिंपली याद हो जाएगा। देखो कुछ नहीं मैं कर क्या रहा हूं कि यहां पर एस एक आवेशित कण है जिसका चार्ज प्लस है, ठीक है ना। ओसिलेटर के सारे मतलब दोलित्र के सारे क्या होता है कि D1 डीज पर माइनस आवेश ले लिए और D2 डीज पर प्लस आवेश ले लिए। अब सोचिए आवेशित कण प्लस है और ये जो D2 डीज है ये भी प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का मारेगा, तो इसका मतलब ये गति इस दिशा में करने लगेगा, इस दिशा में गति नहीं करेगा, ठीक है ना, इस दिशा में गति करेगा क्योंकि प्लस उसको धक्का मारेगा। तो ये इस दिशा में जब गति करता है, इधर D1 डीज की दिशा में गति करता है, तो ये जैसे ही अपना आधा चक्रण पूरा करेगा, तो आधा चक्रण पूरा करने के बाद ओसिलेटर आवेश चेंज कर देता है, ये माइनस है तो प्लस होएगा, प्लस है तो माइनस होएगा। अब फोकस करने वाली यही बात आपके लिए आती है कि जब ये आवेश चेंज रहेगा, माइनस के जगह प्लस, अब प्लस के जगह जो माइनस हो जा रही है, तो सोचिए ये ये अपना आधा चक्रण पूरा किया, तो आधा चक्रण पूरा करने के बाद ये प्लस हो गया, आ इधर से प्लस आवेश उत्पन्न हो गया, तो प्लस क्या करेगा, प्लस को धक्का मारता है, इसको धक्का मारेगा तो फिर ये अपना आधा चक्रण पूरा करेगा, जैसे ही अपना आधा चक्रण पूरा करेगा आवेश फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अब प्लस फिर उसको धक्का मारेगा, ठीक है ना, फिर वो अपना आधा चक्रण पूरा करेगा तो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस फिर धक्का मारेगा, यही सिचुएशन चलते रहती है। तो सिद्धांत अगर देखी जाए, अगर सिद्धांत देखी जाए साइक्लोट्रॉन का, तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यही कहता है कि जो कण होता है, जो आवेशित कण होता है, वो आधा चक्रण पूरा करने के बाद उसका वेग बढ़ते चला जाता है, मतलब वो त्वरित होते चला जाता है। ये किसकी, ये क्या है, तो ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। अभी देखा ना, जैसे ही आवेशित कण आधा चक्रण पूरा करेगा, ठीक है ना, प्लस उसको धक्का मार देगा, जैसे ही प्लस उसको धक्का मारेगा उसका वेग बढ़ जाएगा। तो ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। आपसे पूछेगा साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखे, तो लिखिएगा जो आवेशित कण साइक्लोट्रॉन में होते हैं वो अपने आधा चक्रण पूरा करने के बाद उनका वेग बढ़ जाता है। अब देखो आगे बात करते हैं साइक्लोट्रॉन की क्रिया विधि, मतलब कार्य विधि, कार्य कैसे करता है। तो कार्य मैंने आपको समझा दिया कि आवेशित कण जैसे ही अपना आधा चक्रण पूरा करेगा, प्लस उसको धक्का मारेगा, क्या प्लस उसको धक्का मारेगा, समझने वाली बात है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर समझिए कार्य विधि, मैं पहले भी आपको कार्य विधि समझा चुका हूँ, ये माइनस ये प्लस आवेश था स्टार्टिंग में हम लोग लिए थे, तो ये प्लस आवेश है, ये प्लस इसको धक्का मारेगा तो ये अपना गति स्टार्ट कर देगा, क्या कर देगा, अपना गति साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करेगा, तो आधा चक्रण पूरा करने के बाद आवेश चेंज होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो प्लस फिर धक्का मारेगा तो फिर अपना गति करेगा और वेग बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर फिर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस फिर इसको धक्का मारेगा तो गति करते चलते आएगा। तो इस तरह से ये कार्य करता है साइक्लोट्रॉन। अब इसको लिखेंगे कैसे,
आपको बस इतना लिखना है कि आवेशित कण एस धन आवेश है, और जब डी टू डी जे पर प्लस आवेश है, वो जब आप मतलब क्या करता है, आवेशित कण पर जोर लगाता है, बल लगाता है, तब ये डी वन डीज के रूप में गति करने लगता है, डी वन डीसा में गति करने लगता है। फिर ये आवेशित कण आधा चक्रण पूरा करने के बाद दोलित्र के सारे डीज का आवेश चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा तो प्लस फिर इसको धक्का मारेगा, ये जो आवेशित कण आधा चक्रण पूरा किया है ये फिर प्लस इसको धक्का मारेगा, तो ये अपना वेग बढ़ा लेगा और फिर गति करना स्टार्ट कर देगा, वेग बढ़ाकर क्या करेगा, फिर अपना गति करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा ही होते रहता है, दोलित्र ही जो दोलित्र ना इसका बहुत अहम भूमिका निभा जाता है, ये जो है ना इसको ऐसे सेट करी जाती है कि समय अनुसार वो आवेश को चेंज करता रहे, आवेश में परिवर्तन करता रहे। तो ये कार्य विधि है कि आधे चक्रण के बाद क्या होगा, उसका वेग बढ़ते चलेगा, इसको सिद्धांत में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो आवेशित कण क्या होता है, आवेशित कण प्लस है, प्लस इसको धक्का मारेगा तो फिर ये अपना आधा चक्रण पूरा करेगा, ठीक है ना। आधा चक्रण जैसे ही पूरा करेगा दोलित्र अपना काम स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, ये जो माइनस था अब इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। अब प्लस बना देगा तो ये कण अपन आधा चक्रण पूरा कर दिया है, तो फिर ये प्लस जो ना इसको धक्का देगा और फिर इसको आगे बढ़ाएगा, यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ प्लस था या माइनस था, तो आधा चक्रण पूरा करने के बाद फिर ये आवेश चेंज होएगा, अभी माइनस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर ये प्लस जो ना इसको धक्का मारेगा, तो यहाँ पर आवेश चेंजअप होते रहता है और धक्का उसको मारते रहता है, सब मारते रहता है, मतलब कण को नचाते रहता है, सब छोड़ता नहीं सब। आधा चक्रण पूरा करने के बाद प्लस आवेश उसको धक्का मारते रहेगा, कहेगा रुकना नहीं है, उसका वेग बढ़ाते रहता है, उसका वेग बढ़ाते रहता है। तो ऊंच गतिज ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करी जाती है। तो साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग कणों को त्वरित करने में, प्रोटॉन को त्वरित करने में, न्यूट्रॉन को त्वरित करने में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में कर सकते हैं, चाहे बीमारी में रेडियो एक्टिविटी में प्रयोग करी जाती है। रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो होता है ना कणों को त्वरित कर देता है, साफ उसको नचाते रह जाए, घिरनी नियर काम खत्म, ठीक है ना। टाइम मशीन देखे ना, टाइम मशीन में अगर पुराने समय में आपको जाना हो तो क्या करना पड़ता है, टाइम मशीन में पुराने समय में आपको जाना हो तो क्या करना पड़ता है, वो आपको घुमा देगा, ऐसा ना कि आप 2000 मतलब कुछ और में चले जाइएगा, 1995 का देख रहे हैं कि 1995 में हमारी दुनिया कैसी थी, उस दुनिया में आप चले जाएंगे, समझने वाली बात यहाँ पर समझिए, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन का मेन जोन काम होता है ना, वो कणों को त्वरित करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, साइक्लोट्रॉन क्रिया विधि क्या, और साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है। एक बार और मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय मशीन है। क्या है, साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय मशीन है, ठीक है ना, जिसके सारे कणों को त्वरित करी जाती है, मतलब वेग दी जाती है, ठीक है। इसको कब बनाया गया, 1934 ईस्वी में बनाया गया था। अब साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसे होती है, तो साइक्लोट्रॉन लिखिए, साइक्लोट्रॉन में दो डीज होते हैं, पहले डीज को D1 और दूसरे डीज को D2 कहते हैं। दोनों डीज को एक ओसिलेटर मतलब दोलित्र के सारे जोड़ दिया जाता है, यही दोलित्र एक डीज पर प्लस और एक डीज पर दूसरे डीज पर माइनस आवेश उत्पन्न करता है, इतनी बातें लिखना है। और दोनों डीज को बीच एक आवेशित कण रख दी जाती है जिसका हमें वेग देखना होता है, तो इतनी बनावट में लिखना है। अब ये इसका सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सिद्धांत ये कि जो आवेशित कण होता है वो आधा चक्रण पूरा करने के बाद वो अपना वेग बढ़ा लेता है, उसका वेग बढ़ जाता है, ये सिद्धांत है। इसकी कार्य विधि क्या है कि जो आवेशित कण होता है उसको जैसे प्लस धक्का मारता है, क्योंकि ओसिलेटर के द्वारा एक पर प्लस एक पर माइनस आवेश, इस पर माइनस ले लिए, इस पर प्लस ले लिए, तो ये आवेशित कण है, प्लस इसको धक्का मारेगा तो ये अपना आधा चक्रण पूरा कर लेता है। तो लिखिएगा, जो आवेशित कण होता है उसको जब D2 डीज पर प्लस लेकर चले, ठीक है ना, D2 डीज से जब प्लस धक्का मारता है तो वो अपना आधा चक्रण पूरा करता है। आधा चक्रण पूरा करने के बाद ओसिलेटर क्या करता है, आवेश चेंज कर देता है, माइनस के जब प्लस और प्लस के जब माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो प्लस आधा चक्रण के बाद जो कण है उसको धक्का मारेगा, उसका वेग बढ़ा देगा, ठीक है ना, फिर ये अपना आधा चक्रण पाएगा। तो आधा चक्रण जैसे ही पूरा करेगा आवेश चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस का जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस इसको फिर धक्का मारेगा तो इसका वेग बढ़ते चलाएगा। तो ये बात आपको समझ में कि ऐसे ये कार्य करता है, ठीक है ना, मतलब क्या है, आधा चक्रण के बाद उसका वेग बढ़ते चला जाएगा, आधा चक्रण के बाद उसका वेग बढ़ते चला जाएगा, आधा चक्रण के बाद उसका वेग बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या होगा, साइक्लोट्रॉन की कार्य विधि होगा, ऐसे करता है। आज साइक्लोट्रॉन का उपयोग तो मैंने बता दिया, साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है, तो भाई कणों को त्वरित करने में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को त्वरित करने में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, रेडियो एक्टिविटी में करी जाती है, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग है। आई होप आपको साइक्लोट्रॉन की जो बेसिक बात है बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।